पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एंथर ऑफ द स्टेमेन टू रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पल या पिस्टल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं हैव इवॉल्व एन अमेजिंग टेक्निक अमेजिंग एरे ऑफ द एडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। बड़ा उसमें अमेजिंग तरीके से उन्होंने अपने आप को इन चीजों के लिए मॉडिफाइड किया हुआ है। लेकिन उससे पहले मुझे दो तरह के फूल आपको बताने होंगे। सेल पॉलिनेशन के अंतर्गत उनको हम पढ़ते हैं क्लिस्टोगैमस चेस्मोगैमस, दो तरह के फ्लावर है, फ्लावर है। तो मैं उनकी जानकारी दे रहा हूं आपको। टू टाइप ऑफ फ्लावर मैं नोट डाल रहा हूं। सम प्लांट्स लाइक उन प्लांट्स का नाम याद रखें, ऑक्सेलिस, वायोला, कुछ पौधे जैसे ऑक्सेलिस, वायोला। वायोला जो होता है पैंजी होता है, कॉमन पैंजी, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कॉमन पैंजी। मिराबिलिस एक और है एग्जाम्पल, एंड ऑक्सेलिस, ऑक्सेलिस तो मैं बता ही चुका, कॉमेलिना, एक और पौधे का नाम कॉमेलिना, COMMELINA। प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। कौन कौन से? दैट इज चेस्मोगेमस, दूसरा क्लिस्टोगेमस, दो तरह के फ्लावर चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ फ्लावर जिंदगी में कभी नहीं खिलते और कुछ आपको बाकायदे क्लियर नजर आते। मैं इनको दो हिस्सों में बांट रहा हूं। पहला चेस्मोगेमस, या कोई क्या पढ़ना चाहे तो उसकी मर्जी है, वो कुछ भी पढ़े, मैं कौन रोकने वाला, प्रोनंसिएशन अपने अपने। फ्लावर ये नॉर्मल फ्लावर है जो आपको पेड़ पौधों पर दिखाई देते विद एक्सपोज्ड
स्टेमन एंड एंथर, इनका एंथर भी देखने को मिल जाता है, और स्टिग्मा भी देखने को मिल जाता है इन फ्लावर चैस्मोगेमस। दे आर ओपेंड फ्लावर विद एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन, ये कह सकते हैं। ठीक है, एंथर की जगह मैं यहां स्टिग्मा लिखूंगा। ठीक है, तो ये ओपन फ्लावर फ्लावर्स है, यानी दे आर ओपन, खुले हुए फ्लावर। एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ दीज फ्लावर आर ब्रॉट टूगेदर बाई ग्रोथ, चाहे बेंडिंग हो जाए चाहे फोल्डिंग हो जाए, एक दूसरे के नजदीक उसकी वजह से आते हैं। इन तरह के फ्लावर में पोलन फ्रॉम एनदर फ्लावर कैन लैंड ऑन द स्टिग्मा एज वेल, आ सकते हैं इस पर दूसरे के भी। आप मुझे बताइए कि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन, या इनमें दोनों टाइप का पॉलिनेशन हो सकता है? बोथ टाइप्स। यस, तो दे कैन शो बोथ टाइप सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। नैन्सी, समझ में आ रही है बात बेटा? यस सर। ये तो सभी में देखने को मिलते हैं फ्लावर, खास नाम देना चाहो तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि इनके लिए हमें खास कोई नाम देना पड़े। ठीक है, लेकिन क्लिस्टोगेमस सब में नहीं मिलते, इसलिए मैंने ऊपर ही नाम दे दिए, ऑक्सेलिस वायोला कोमेलिना, दूसरी कैटेगरी आपके सामने क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ये अंडरग्राउंड होते हैं, क्या मिट्टी के अंदर फूल हो सकता है? बड़ा सरप्राइजिंग आ गई। ये क्लोज्ड फ्लावर हैं, बंद रहते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो यूजुअली प्रोड्यूस्ड अंडरग्राउंड। प्रोड्यूस्ड अंडरग्राउंड एंड दे नेवर ओपन। कभी नहीं खुलते, बंद रहते हैं। तो क्या होगा, इनके स्टिग्मा वगैरह जो है बहुत नजदीक होंगे। देयर एंथर एंड स्टिग्मा लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। बहुत पास एक दूसरे के, तो हम इन इस तरह के फ्लावर को क्या कहेंगे? दे आर क्लोज्ड फ्लावर। एग्जाम्पल, सॉरी, किस तरह का इनमें पॉलिनेशन होगा? क्योंकि ये बंद हैं, इनमें कोई और पॉलिनेटर नहीं आ सकता, तो दे कैन परफॉर्म ओनली
ऑटोगैमी दे कैन परफॉर्म ओनली सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, इन फ्लावर में इस बात का फायदा क्या होता है अगर हम इसका एडवांटेज जानना चाहें? एक ही है, दे कैन सेट सीड्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर। अगर पॉलिनेटर नहीं भी है तो भी इनमें बीज बनेंगे, क्योंकि पॉलिनेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? दे कैन सेट सीड्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑफ पॉलिनेटर। फिर कोई हानि भी है क्या इसकी? यस, डिसएडवांटेज। सोच के बताओ क्या हो सकता है। क्योंकि सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन आना आएगा, बार इवोल्यूशन बार नहीं बार होगा, बार वेरिएशन है, नहीं होंगे, वेरिएशन वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, है ना, वैरायटी ऑफ जीन्स नहीं होगी, लॉस ऑफ विगर हो जाएगी, लगातार इनब्रीडिंग होगी तो इनमें, नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, नई चीजें बिल्कुल कुछ भी नहीं आएंगी। ये वाली बात सही है, ये वाली बात नोट करते हैं। तो कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग, डिप्रेशन, DEPRESSAN, ION, दैट इज लॉस ऑफ विगर, शक्ति कम हो जाएगी, नो वैरायटी ऑफ जीन्स। ये दो तरह का पॉलिनेशन आपके सामने डिस्कस होगा। अब हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, डिटेल में लेंगे।